शिमला मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हरी शिमला मिर्च। इसे आप ऐसे लंबे शेप में काट लें और इसके बीज निकाल दें। बेसन हमें चाहिए 1 बड़ा कप। चावल का आटा हमें चाहिए 1/2 कप। जितना आप बेसन ले उसका आधा ये ले, इससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। 10 लहसुन की कलियां, उसे आप ऐसे क्रश कर लें। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। कुकिंग ऑयल हमें पकौड़ों को फ्राई करने के लिए चाहिए और पानी बैटर बनाने के लिए। बैटर बनाने के लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें ये बेसन डालेंगे, फिर डालें ये चावल का आटा। इन दोनों को मिला लें। फिर इसमें डालेंगे ये कुटे हुए लहसुन। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये मैंने हल्दी डाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो बेसन में अच्छी तरह मिल जाए। फिर हम इसमें थोड़ा पानी मिला के इसे एक थिक बैटर बना लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ये देखिए। घोल को ज़्यादा पतला ना बनाएं, आप इसे इतना गाढ़ा बनाएं। पकोड़े को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म करके रखा है, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह। फिर ये जो बेसन का घोल हमने बना के रखा है, इसमें शिमला मिर्च के टुकड़ों को ऐसे पूरे अच्छी तरह कोट कर लें। फिर हम इसे गर्म तेल में डालेंगे। इसी प्रोसेस से मैंने बाकी शिमला मिर्च भी डाल दिया है तेल में। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक से दो मिनट बाद हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए। हमें पकोड़ों को दोनों साइड से फ्राई करना है। ये देखिए, ये बीच बीच में आप इसे पलटते रहें। अब ये जो पकोड़े हैं वो दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये हमारे शिमला मिर्च के पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी और केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।